सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और तीसरी बार मैं आपका इवेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगी जितने भी फैंस हैं यहाँ पर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत देर से आपको वेट कर रहे हैं और हम सभी लोग इस खूबसूरत से पल का वेट कर रहे हैं कि किस पल में आप यहाँ पर आएंगे और इस स्टेज पर आएंगे और हम लोग आपको देख पाएंगे। बट उससे पहले सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। कमोन एवरीवन, सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, जितने भी लोग खड़े एक बार प्लीज बैठ जाए, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट आया हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बगल में ही हमारा एक ठिकाना का शूट चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, क्षमा करिएगा। और हमारे इस महफिल में जितने भी भोजपुरी जहान से, भोजपुरी समाज से आप लोग हमारे भाई मित्र यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं ताली बजा के आशीर्वाद दे रहे हैं। आज टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी से हमारा एक जो गाना रिलीज हुआ आज पहला, जो गाना के टाइटल में और नहीं हटा के सबसे पहले जो टाइम्स म्यूजिक परिवार में हमारे जितने सदस्य हैं आप सभी का हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वागत है। और हमारे परिवार के जितने सदस्य आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको आज आप लोग भरोसा दिला दीजिए कि टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी को आप लोग फिर सारा प्यार देने वाले हैं। एक ताली बजा के बताइए। अभय पांडे जी कहाँ हैं जी? इधर आइए। दीपक जी आप आइए। टाइम्स म्यूजिक परिवार से मुझे जोड़ने में सबसे बड़ा सहयोग मेरे अभय पांडे जी का है और हमारे प्रिय मित्र दीपक जी का है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आप लोग इस परिवार से हमको जोड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव। अच्छा गौरी मैडम जी, आपने जो मुझे इतना दुलार दिया आपने इस मंच के जरिए, इसके पहले हम लोग फोन पे शायद मैसेज के जरिए थोड़ा बहुत बात की है, लेकिन आज सामने से आपसे मैं पहली बार वहाँ मिला और यहाँ मिला, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग सालों से दूसरे को जानते हैं। और आपने जो इस मंच से मुझे दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, दुआ दिया माँ बाप को जोड़ के, तो आपने मुझे भाव कर दिया इस परिवार के लिए। टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी के लिए जब भी आपको लगेगा कि कौन सिंह, कौन बाबू, कौन भाई मुझे चाहिए, तो आपका भाई ये खड़ा है। अजीब है अभी तो हम लोग फिर सारा मस्ती करेंगे, रुक रे भैया, ये देखो क्या है वो, उसे हमारे बड़ी लोग एक तो बाप बोला तो इतना महंगा उखाड़ होता रहे भाई हो गया, हाउ हो गया। अच्छा ये हमारे भोजपुरी, हमारे भोजपुरी या ये समझे वाला बाकी के अपने बाप बोला जाके लगिया मुंबई आई उनके बाहर से और घर में अंदर जाया है कि माई तनी खाना भी भूख लगा हमारा ठीक लगी प्यार असली उसमें झलकता है माई ने भूख लगा था। तो मैं जब जिसको समझता हूँ कि हमारे भाई है, हमारा परिवार है, हमारा छोटा है, तो ये प्यार से निकलता है, ये हक है, मेरा अधिकार है। मैं बोलता हूँ कि रुक ले भाई हमारा, रुक जा सर, ये नहीं कि मैं आप लोगों को अरे बोलता हूँ, नहीं यार अपने लोग का अरे बोला जाता है, ये अपनापन है जी भैया। बाकी जो कौन से जब से माइक लेके बोलना सीखा बोल रहा हूँ और आजीवन जब तक बोलूंगा,
यही बोलता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि आप सभी के आशीर्वाद से ही बोलता हूँ, ना कोई मैं स्टार हूँ जिया, और ना ही कुछ हूँ। जो आप लोग बोलते हैं भोजपुरिया राजा भोजपुरिया रिकॉर्ड मशीन, अरे बाबा मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी का प्यार हूँ, गुलाल हूँ, आशीर्वाद। मैं आप इस महफिल में आए किसी के माहौल में, थैंक यू सो मच, जो आपने समय निकालकर इस महफिल में आए, थैंक यू सो मच। और इस गाने में काम किए हैं साधु जी, बहुत बढ़िया आप काम किए बाबू, बहुत हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज का आशीर्वाद आपके ऊपर मिले, कि आप बहुत बड़े इंसान हो, ठीक है। इस गाने का और कौन कौन काम किया, विक्की आदि लिए है, विक्की दुर्भाग्य है। चलिए अभी तो बहुत सारा काम करना है, ये हमारे साले साहब हमें आप लोग इनके जाने को उनके प्यार को बताना समाज में चाहूँगा। आपकी एंट्री कौन से गाने से हुई थी, पुदीना से, उसी गाने में बाबू ने पुदीना एंट्री किया और पता नहीं शतक मारा के दशक मारा, तब से हमारे ग्रुप में यही चर्चा चलता है कि मोहन जी विक्की आपके लिए बड़ा लकी है, तो मुझे लगता है कि करीब करीब गानों में मेरा भाई नजर आ ही जाता है, ये मेरा सौभाग्य है और हमारे परिवार का आशीर्वाद है कि आप छाए हुए हैं और छाएंगे और आगे हमारे सब परिवार है। आपको भाई बाबा जा, मेरा दीपक भाई यहाँ पे मौजूद है, मेरा अविनाश भाई है, हमारे अमित भाई जी हैं, फौजी साहब। वैसे तो मैं सबसे पहले क्या इस दरमियान में मंच पे जहाँ जहाँ गया मेरा भाई दीपक, तो मैं उसका नाम नहीं जानता था, अब जाना कि इसका भी नाम दीपक है, लेकिन इसको मैं पहले से एक दूसरे के सामने हम लोग खड़ा नहीं हुए थे, फिर भी मैं दूर से यही बोलता था मेरा भाई फौजी आ गया। मुझे पता नहीं था कि आप पहुँच गए थे, आपका पर्सनैलिटी देख के मैं बोलता था कि मेरा भाई फौजी आ गया। तो मैं हम लोग अभी ढेर सारा मस्ती करेंगे और आप लोगों का भी मैं डांस देखना चाहूँगा आज, परफॉर्मेंस देखूंगा आप सभी का, ठीक है। और हमारे भैया फैन पेज के लिए हमारे फैन पेज भाई कहाँ है, ये यहाँ पे आप लाइव इंस्टा परिवार से हमारे जितने भाई इसको लाइव देख रहे हैं हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए हम सभी पे, सिर्फ कौन पे ही नहीं भैया, कौन हम भोजपुरी समाज, हम भोजपुरी परिवार के ऊपर, टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी के ऊपर, सबके ऊपर आप लोग अपना प्यार हमेशा बरसाते रहेगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना हर चीज अधूरा है भैया। और इंस्टा हो गई, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, और हम अपने इंस्टा पे ही या यूट्यूब पे ही बहुत सारा मैंने कंप्लेंट देखा कि भाई भैया आपने सबको सम्मान दिया, हम लोगों का भी हक है, हम लोगों का भी हक बनता है, हम लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारे भाई ध्यान रखिएगा, मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ या क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, आप राजा हैं, आप लोग जानते हैं कि पवन सिंह क्या, आप किंग है, किंग। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि मेरे नजर में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर कोई बराबर है। बड़ा कौन है, जैसे गौरी में मैंने बोला माता पिता, माता पिता गुरु भगवान, बड़ा ये जी, बड़ा ये है, सॉरी, ठीक है। बाकी देखिए क्या है, हम लोग भक्ति पे मान लीजिए हम गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, आप कंप्यूटर चलाएंगी या बड़े परिवार से हैं या कुछ भी हैं, आप दिल्ली से यहाँ आ गए, मेरा भाई पटना से यहाँ आ गया, कोई गाना गावाता, कोई मेहनत कराता, कोई ईंटा उठावाता, सब कोई वर्कर है भैया, मेहनत सबको करना है, फल उनको देना है जी भैया, मेरे नजर में कोई बड़ा नहीं है, बड़ा से महादेव माता पिता गुरु जी, बाकी इस जमीन पे जो भी है हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, हमारा सदस्य है। जय हो भोजपुरी, लव यू भैया, लव यू, जय हो।